दोस्तों, बॉलीवुड में ऐसे बहुत से सितारे होते हैं जो कि पर्दे पर दिखाने के लिए अपने किसी भी सीन को करने के लिए जी जान लगा देते हैं, लेकिन कई बार ऐसा करते हुए वे असहज महसूस करते हैं और कई बार उन्हें वह सीन करने की इच्छा भी नहीं होती है। बहुत कम अभिनेत्रियां होती है जो इसके बारे में खुलकर बात करती हैं, क्योंकि इसके कारण उनकी इमेज पर बुरा असर पड़ सकता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी ही बहादुर अभिनेत्री रवीना टंडन के बारे में बताने जा रहे हैं, जो अपनी एक फिल्म की शूटिंग के दौरान काफी डर गई थी। ये बात अक्षय कुमार और रवीना टंडन की फिल्म मोहरा की शूटिंग के वक्त की है, जब रवीना को बताया गया कि उनको फिल्म में कुछ इंटीमेट सीन करने होंगे। उससे पहले उन्हें बताया गया था कि पूरी फिल्म में अक्षय कुमार उनके साथ काम करेंगे और वह उन्हीं के अपोजिट फिल्म में काम करेंगी। उस समय रवीना टंडन के संबंध अक्षय कुमार के साथ काफी अच्छे थे, दोनों की रिलेशनशिप की बातें भी सामने आ रही थी। इसलिए रवीना टंडन ने सोचा कि अगर उन्हें अक्षय के साथ ये सीन करने हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वह अक्षय को काफी करीब से जानती थी। लेकिन एक दिन जब रवीना टंडन सेट पर गई तो डायरेक्टर ने कहा कि उन्हें एक्टर नसीरुद्दीन शाह के साथ भी इंटीमेट सीन करना होगा। इतना सुनते ही रवीना सोच में पड़ गई और डायरेक्टर के कई बार अपील करने के बाद रवीना उस सीन के लिए मान गई, पर नसीरुद्दीन शाह का व्यवहार उनके साथ बुरा रहा। दोस्तों, रवीना टंडन को लगा कि नसीरुद्दीन उस चीज का गलत फायदा उठा रहे हैं, वह जानबूझकर सीन को रीटेक करवा रहे हैं। रवीना टंडन उस समय बहुत डर गई थी और जैसे तैसे उन्होंने इस सीन को कंप्लीट किया। बाद में सीन को लेकर अक्षय कुमार नाराज हो गए और उस सीन को फिल्म से हटवा कर ही माने, क्योंकि उस समय रवीना और अक्षय की शादी की खबरें सामने आ रही थी। आइए बात करते हैं बॉलीवुड की खूबसूरत अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के बारे में। दोस्तों, शिल्पा शेट्टी ने बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म धड़कन का एक जबरदस्त राज खोला है, जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि फिल्म धड़कन आज भी लोगों के दिलों पर राज करती है और आज भी दर्शक इस फिल्म को देखना बहुत पसंद करते हैं। लेकिन इतने साल बाद इस फिल्म की मुख्य अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने फिल्म के क्लाइमैक्स को लेकर एक बहुत बड़ा राज खोल दिया है, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, शिल्पा शेट्टी ने बताया कि ये फिल्म उनकी जिंदगी में सबसे ज्यादा समय में बनने वाली फिल्मों में से एक है। इसे बनने में करीब 5 साल लग गए थे। इसके अलावा डायरेक्टर धर्मेश का कहना था कि उनकी ये फिल्म सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक रहेगी, इसलिए उन्होंने इस फिल्म पर सबसे ज्यादा समय लगाया था। दरअसल जब फिल्म का क्लाइमैक्स शूट होना था, तब सुनील शेट्टी का शेड्यूल दूसरी फिल्मों को लेकर बिजी था। ऐसे में डायरेक्टर को आखिरी सीन शूट करने में काफी दिक्कत आ रही थी और उन्होंने सुनील शेट्टी के डुप्लीकेट को लेकर फिल्म के क्लाइमैक्स को शूट करने की सोची, लेकिन उनकी एक्टिंग से धर्मेश खुश नहीं थे। इसके बाद उन्होंने सुनील शेट्टी से फिल्म के लिए डेट ली, फिर क्लाइमैक्स शूट किया। फिर सुनील शेट्टी ने इस फिल्म में ऐसी एक्टिंग की जिस वजह से ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई करी। वैसे दोस्तों, फिल्म मोहरा में नसीरुद्दीन शाह के इस तरह के हरकत को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।